गुड मॉर्निंग दोस्तों, गाड़ी हो गई थी अनलोड, अभी आए लोडिंग के लिए। हैदराबाद की लोडिंग है, यहाँ पे हम करेंगे रबड़ लोड। रबड़ करके जाएंगे, इसके टायर वगैरह प्लास्टिक सारा बनता है। यहाँ दिखाता हूँ आपको फैक्ट्री को, ये कंपनी वाले तरपाल देते हैं डालने के लिए। तरपाल डाल के सारे लोडिंग होगा इनका अपना। यहाँ पे अम्मू वाली गाड़ी, ये भी लोड होगी गुजरात की। यहाँ सभी लेबर वाले लगे हुए हैं, हमारा लोड कर रहे हैं, मतलब ये तरपाल अपना डालेंगे। ये हो गई हमारी तरपाल, मतलब सेट पूरा इन्होंने खुद लगाई है अपने आप से। ये टायर बनते हैं इधर, यहाँ पे रबड़ जाएगी MRF कंपनी में, सारी रबड़ वहीं जाएगी। भाई जी बॉर्डर में खड़े हैं, सील तोड़ रहे हैं जी, सारे साथ में खड़े हैं। इन्होंने बोला है इसको खोलो और सील तोड़नी पड़ेगी। इनके बंदे सील तोड़ने लगे हैं, चेकिंग होगी उन्होंने बोला सील तोड़ने के लिए। सर भी साथ में खड़े हैं, हम बॉर्डर पर खड़े हैं, काटेंगे फिर ही निकलेगा सब। भाई आसाम का बॉर्डर यहाँ पे खड़े हैं, अंदर चेकिंग हो गई। अभी ये आसाम के बॉर्डर पे लाइन लगी हुई, कल रात के थे यार। अभी एक बॉर्डर बाहर हुआ, अभी आसाम वाले बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, कब तक छोड़ेंगे पता नहीं। चेकिंग होती है आसाम का बॉर्डर पे, चेकिंग हो रही भाई जी। यहाँ पे ये दोनों भाई लगे हुए हैं अपने, चेकिंग हो रहा है यहाँ पे। पाइप साइड करते यार, यहाँ पे चेकिंग हो रही है। आगे साहब बैठे हैं सारे, आसाम का बॉर्डर है जी, पीछे त्रिपुरा बॉर्डर था, दोनों बॉर्डर पे चेकिंग होती है। ये है भाई शिलांग का रोड यार, बहुत गर्म गाड़ी है चल रही है। हमारे साथ तीन गाड़ी हैं, JK 3, 5, 4, 2 जम्मू की गाड़ी हैं। यहाँ पे ये देख लो कितना टर्न है यार, बहुत चेकते हैं टायर हमारे गर्म हो गए देखते मार। जी आ गई भाई हमारी सेब भाजी, तो अभी हम खाना खाएंगे होटल पे, लेट हो गए, अपना तो बनाया नहीं। जबलपुर रोड देखो यार कितनी अच्छी रोड है, जबलपुर MP में पड़ती है भाई ये। इधर खड़े हैं भाई MP बॉर्डर पे, बहुत जाम लगा हुआ है यार। यहाँ पे RTO की एंट्री है 1200 चक्का का, 14 चक्का भी है 800 रुपया। ये घंटा पर्ची यहाँ पे 1600 रुपये एंट्री लगता है, मतलब 1400 रुपये लगता है हमारा, 16 चक्की का 1200। ये बॉर्डर महाराष्ट्र का भाई, तीन बॉर्डर हो गए यार, बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पहले इंटर हुए थे MP का, अब MP के बाहर हो गए, अब महाराष्ट्र बॉर्डर आ गया, अभी एक बॉर्डर और आएगा, बहुत लंबी लाइनें लग रही हैं। ये है भाई यार बाइक की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, ये कौन है किसको सेठ को भेजेगा क्या? और ये बीच रोड में पलटी हो गई तो नहीं नहीं से गिर गया, इतना तेज तो पानी आ रहा भाई। इधर आ जा अपने आप यार, ये देखो यार उस्ताद इतनी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जान। अच्छा यार तीन बंदे थे, तीनों बच गए हैं, सेफ हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। माल क्या था लोड भाई? Express 20। ये यहाँ से डिब्बा फट गया, नहीं क्या क्या था लोड में इसमें? Express 20। वो क्या होता है? कैम का माल होता जी। नहीं यार ये फट गया थोड़ा सा, थोड़ा सा डिब्बा फटा है, बाकी तो ठीक है, सेफ है यार गाड़ी, माल मोल तो ठीक है मेरा नंबर भी नहीं। भाई यार सरकार तो बोलती है ड्राइवर के साथ ऐसे करो वैसे करो, ये नींद में बाइक की गाड़ी पलट गई। अभी बंदे तीन थे सेफ, बच गए हम सारे, अरे यार बहुत बुरा हाल होता है। ये देखते हैं ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, ये नहीं सोचते कि ड्राइवर कितने घंटे ड्यूटी कर रहा है, ऐसा कानून भी होना चाहिए ना कि ड्राइवर 8-10 घंटे गाड़ी चलाए उसके बाद सोना चाहिए। यार भाई देखो इसका लॉस हो गया, तीन हजार 4000 का डीजल भी है, 300-400 लीटर चला गया भाई। अभी हम पहुंच गए हैदराबाद, मुंबई वाली रोड है एक्सप्रेस रिंग रोड, पाइपलाइन एक साइड की रिंग रोड बोलते हैं इसको, मुंबई की हैदराबाद।
रहे हैं, हम हर रोड पे लाएंगे। वो होता है नीचे इस रोड से इधर जाना है, बम्बे के लिए रोड जो है। और यहाँ लोड गाड़ी, यहाँ कनेक्टर को बेल्ट बुल्ट डाल के मतलब सेफ्टी के लिए गिर नहीं जाएगा। यहाँ खड़े हम रेमार्क कंपनी सबसे बड़ी हैदराबाद।